अभी अपन क्या करने वाला ना इधर, मतलब कि अपना बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर अपने साथ कोई यहाँ पे आता है ना तो अपन उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। आज जो अपने साथ यहाँ पे आया उसको अपन ने गली बॉय में देखा, देखा क्या आंखें फाड़ के देखा, आंखें फाड़ के क्या आंखें निकाल के देखा, क्योंकि जो काम इन्होंने गली बॉय में किया वो कितना जबरदस्त था, बोलूं तो कितना झकास था। जोरदार तालियां। क्या बोलते ना गली बॉय के मोइन भाई अक्का विजय वर्मा यहाँ पे, क्या बोलते वा? चीर फाड़ बोले भाई, चीरेला है, अंगार लगे लिए, लोग पागल हो रहे, पब्लिक पागल हो रही है, थिएटर में चवनिया निकाल के फेंक रहे भाई। अंगार किधर लगेला है? अंगार सबके अंग दिल में लगेला है, सबके अंग में, दिल में, सब जगह दिमाग में अंगार लगेला है। फैंटास्टिक। तो ये जो गली बॉय का अंगार आपने फैलाया है, हाँ, ये किधर से आया आइडिया, मतलब किधर से जो गली बॉय का रोल है वो विजय वर्मा के झोले में आया? झोले में ऐसे आया है कि भाई अपन ज्वालामुखी थे फटने के लिए रेडी, खाली कोई दे ऑप्शन देने के लिए रेडी थे अपन। जोया मैडम का फोन आया कि ऑडिशन करो। अच्छा, दिए ऑडिशन भाई, ऑडिशन में फुल चीरफाड़ दिए, चीरफाड़ दिए। और मैं बता दूं कि चीरफाड़े क्यों ऑडिशन के अंदर, क्योंकि भाई अपना एफटी आया है पुणे। बिल्कुल, वहां से ट्रेनिंग वीनिंग लेके आयला है, पढ़ा लिखेला लड़का, पढ़ा लिखेला एकदम, पूरा एक्टिंग विक्टिंग अपना मतलब समझ में आ रहा सारा। तो ये जो रोल था मोइन भाई का, इसको तैयार करने में कितना टाइम लगेगा बॉस? अपने पास एक महीना था भाई, बस एक महीना था। दिसंबर में अपने को साइन किया है, जनवरी में शूटिंग चालू। वाह वाह, महीने भर में। लेकिन जोया ने बहुत रगड़ा हमको, बहुत रगड़ा। कितना रगड़ा, थोड़ी रगड़म पट्टी के बारे में बताओ ना, अपने एक्टर लोगों को कितना रगड़ा खाना पड़ता है? पहले तो बोला कि तुमको ड्राइविंग सीखने को पड़ेगा, अपने को ड्राइविंग का थोड़ा लोचा था गाड़ी। आपने फिर ऐसा ड्राइविंग सीखा कि नाउ यू आर ड्राइविंग पीपल क्रेजी। ये वाला अच्छा दिया भाई, तोड़ फोड़ दिया आपने। ऐसा आता अंगार निकल के कभी कभी। फिर ओके, ड्राइविंग सीखा, उसके बाद ड्राइविंग सीखा, फिर मेरे को बोले कि आपका ये धंधा रहेगा पिक्चर में, ये सब धंधे का थोड़ा थोड़ा आइडिया लो। तो आपने क्या किया, गाड़ी उड़ी चुराया कोई मैकेनिक का, गराज बराज में घुमा ना भाई, जूवर्स वाला लिंक रोड पे सबसे जाके बात किया। मैं देखा कि सब लोग मुँह में कुछ रख के काम करते हैं, अपना पान मसाला वगैरह, ऐसा रहता है दांत, सबके दांत एकदम मस्त कलरफुल रेनबो वाले। करेक्ट। मैं बोला करेक्टर के दांत तो गए, इसका डेंटल हाइजीन गड़बड़ है भाई। करेक्ट। तो वैसा करके तो आपने डेंटल हाइजीन गड़बड़ किया अपना, मतलब किया है मेकअप से किया, अदरवाइज एकदम आहा क्लोजअप, अदरवाइज क्लोजअप की स्माइल है अपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लड़कियों का प्यार ज्यादा मिल रहा है? हाँ, सबका प्यार मिल रहा है, बच्चन साहब का प्यार मिल गया है। बच्चन साहब का तो ऑफकोर्स प्यार मिला, आपको बुके मिला, आपको वो लेटर मिला, इतना हाँ, कमाल का, क्या तो बात है। अब उससे बड़ा अब मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने मेरे साथ। अरे कमाल हो गई भाई, बच्चन साहब ने खुद तो रिटायरमेंट लिया नहीं, वो अभी तक क्या कमाल काम कर रहे हैं। आप बात ना करें रिटायरमेंट लेने की, अभी तो आपको सिर्फ देखा है एक बार, तो बहुत कुछ, आपको बहुत बार देखने का मन है सर। थैंक यू सो मच, मैं बहुत कुछ करना भी चाहूंगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा अच्छा, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो भाई ये बताओ कि मुंबई में कौन सी ऐसी जगह है जो एकदम मस्त लगती है, मतलब जहाँ पे बैठने का और समय बिताने का? भाई बीच पे बहुत अच्छा लगता है अपने को, पहाड़। किसके बीच में? बीच, ओ बीच, समुंदर बोल रहे हैं, समुंदर, दरिया किनारे बैठ के। ये कुछ फिल्में ऐसी भी देखी ना जो देखने का बहुत अच्छा लगता है, और मेरा घर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। किधर है घर अपना? मेरा घर सात बंगला में है। अरे वाह, सात बंगला में घर, मैं पास ही रहता हूँ, कभी घर पे बैठेंगे। हाँ, what is that one embarrassing moment in life that you have ever had? बच्चन साहब के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो हम दोनों मिले और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हाय मैं अमिताभ बच्चन। अच्छा, ऐसा किया उन्होंने? हाँ, वो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पिंक के दौरान मैं कह रहा हूँ, पिंक शूट किया, तो उनको लगा कि उनका एक है कि लोग एनामेड होते हैं, ऑ में होते हैं उनकी, तो वो खुद ही आइस ब्रेक कर देते हैं कि भाई इट्स नॉर्मल, ठीक है। अरे भाई सब ठीक है, हाय मैं हूँ अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने बोला कि हाय अमिताभ बच्चन, लेकिन मैं उनको सुन नहीं रहा था। मैंने कुछ ऐसा ही जवाब दे दिया कि थैंक यू। ये अलग चल रहे मोइन भाई। वर्किंग विद रणवीर सिंह, यू नो, शेयरिंग अ स्क्रीन स्पेस विद अ बिग एक्टर लाइक रणवीर सिंह, हुज अ वेरी पॉपुलर कमर्शियल एक्टर, जी, एंड एवरीबडी लव्स हिम अराउंड, डू यू थिंक यू वर नर्वस एट दैट टाइम? कोई अंदर से ऐसी नर्वसनेस होती है, और डज ही मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल? बिकॉज जब हम उन्हें इंटरव्यू करते हैं, ही मेक्स अस सो कंफर्टेबल कि हम नीचे बैठ के भी सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, वो उनसे बड़ा कोई दोस्त नहीं होगा आपका, वो ऐसा फील करवाते हैं, और वो जेन्युइनली फीलिंग करवाते हैं, दैट्स हाउ ही फील्स। उससे ज्यादा किसी मर्द ने मुझे नहीं किया है। या हर बात पे, हर बात पे। हाँ, काफी औरतों भी, काफी 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 लड़कियों ने भी मुझे इतना किस नहीं किया जितना रणवीर सिंह ने किया। आई एम हिज फ्रेंड्स विद बेनिफिट। और कैसा लग रहा है?
कैसा लग मेरे साथ यहाँ पे इंटरव्यू करके? मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती थी. और पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या अच्छा किया था, और पता नहीं किसकी ब्लेसिंग थी कि मैं यहाँ पर आज इस ओहदे पर बैठा हूँ कि मैं भन्यू के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं. और बस कर, हाँ बस कर.